ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहला टॉपिक, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर दो पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स ऑफ जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर। कैपिटल जी का फॉर्मूला याद करना है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ वेक्टर फॉर्म में, दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वेक्टर ड्रॉ कर लो। एम वन को एम टू ने अट्रैक्ट किया और एम टू को एम वन ने अट्रैक्ट किया। डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर ले लो। एफ वन टू वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर वन टू कैप है और टू वन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर टू वन कैप है। इनका मैग्नीट्यूड वन और वन ही है, तो मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेज का बराबर है। तो एफ वन टू वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड एफ वन टू वेक्टर की डायरेक्शन आर वन टू कैप है, एफ टू वन वेक्टर की डायरेक्शन आर टू वन कैप है। इन दोनों को डिवाइड करके ये टर्म आएगी, आर वन टू कैप या टू वन कैप का मैग्नीट्यूड वन है, डायरेक्शन में माइनस साइन का फर्क है। तो एफ वन टू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन वैक्टर, यानी कि फोर्स ऑफ जो न्यूटन की जो फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, अगर आपके पास एक पॉइंट मास है और अर्थ है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ आर, तो अर्थ ने पॉइंट मास को खींचा बाय अ फोर्स ऑफ एम जी, तो पॉइंट मास ने अर्थ को खींचा बाय अ फोर्स ऑफ जी एम एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। इन्हें इक्वेट करेंगे, छोटे एम से छोटा एम कैंसिल, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला आ गया। स्मॉल जी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैल्यू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर है, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल जी का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। पहला, अफेक्ट ऑफ हाइट या ऑल्टीट्यूड। हाइट और डेप्थ की प्रोबेबिलिटी आने की स्कूल में ज्यादा है, तो हाइट या ऑल्टीट्यूड में सरफेस ऑफ अर्थ पे स्मॉल जी का फॉर्मूला जी बड़ा एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर है। अगर मैं एच डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा तो जी का फॉर्मूला जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये फॉर्मूला आ गया। पेपर में यहां तक नहीं छोड़ना, और भी करना है। डिनोमिनेटर में से कैपिटल आर को कॉमन निकाल लें, कैपिटल आर का स्क्वायर कॉमन आएगा, ये वन होगा और ये एच प्लस आर, आर स्क्वायर कैंसिल, ये टर्म ऊपर जाएगी, बाइनोमियल लगेगी, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आएगा। यहां तक आपने स्कूल में करके आना है, ठीक। न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट है, जब हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, 200-300 किलोमीटर है, तो न्यूमेरिकल यहां से कर सकते हैं। पर अगर आपकी हाइट 2000-3000 किलोमीटर है, फिर ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। डेप्थ है, डेप्थ में आप सरफेस के ऊपर है तो जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर है, आप सरफेस से एक्स डिस्टेंस नीचे चले गए तो सेंटर से कितनी दूरी हो गई आर माइनस एक्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जी ये सिर्फ इतनी अर्थ का मास एम डैश, क्योंकि हम नीचे जा चुके हैं, अब हम आर माइनस एक्स डिस्टेंस पे हैं, तो इतना मास एम डैश बाई आर माइनस एक्स का होल। यहां से स्मॉल जी के अंदर कैपिटल एम, कैपिटल जब भी आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो आप मास को हमेशा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रूल लिखें, क्योंकि अर्थ के अंदर मटेरियल है जो डेंसिटी रो का बना हुआ है, तो एम को लिखें वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये फर्स्ट टर्म है, और एम डैश को लिखें एम डैश का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जी डैश और जी को डिवाइड करें, आपके पास ये आंसर आएगा। यहां तक आपने डराइव करना है। ये पूछ सकता है डेरिवेशन के बाद डेप्थ के साथ कैसे जी चेंज होते हैं, और साथ में ये भी पूछ सकता है कि डेप्थ के साथ सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू है, तो अब सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्स को आर पुट करें, आंसर क्या आएगा, जीरो। ये करना है। अगर पेपर में आ जाए अफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड या अफेक्ट रोटेशन ऑफ अर्थ, नई एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं है, नई जो आई हुई है, लेकिन मुझे पता नहीं वो टीचर आपका फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, बोर्ड का पेपर तो है नहीं कि जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, टीचर से पूछ लेना करना है कि नहीं करना, मैं करवा देता हूँ दो मिनट में, लेकिन करने में नुकसान नहीं है, कहीं पता लगे उस टीचर ने नहीं रेफर किया उस नई बुक को तो फिर क्या करोगे। तो अफेक्ट ऑफ रोटेशन, अर्थ के घूमने से कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे फर्क पड़ता है, तो लैटिट्यूड का मतलब है इक्वेटर के साथ जो भी एंगल बनेगा इस पी पॉइंट का, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो पी पॉइंट ने सेंटर पे एंगल यहाँ पर इक्वेटर के साथ लैम्डा बनाया, तो लैटिट्यूड का एंगल लैम्डा है। इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड का एंगल जीरो है, पोल्स के ऊपर लैटिट्यूड का एंगल 90 है। तो आप अगर यहाँ पे घूम पड़ यहाँ पे खड़े हैं तो आप इतने रेडियस में घूम रहे हैं अर्थ के साथ साथ, ये रेडियस की वैल्यू छोटा आर है।
इक्वेटर जो है, ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल आर है, अगर ये लैम्डा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी लैम्डा है, ये लैम्डा है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो कॉस लैम्डा क्या होगा, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। अब आप अगर स्मॉल आर रेडियस में घूम रहे हैं तो अर्थ आपको उठा के बाहर फेंक रही है सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, एम स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर, इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन। और आपका एक्चुअल वेट कितना है सेंटर की तरफ, एम जे, तो नया वेट क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ एम जी एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर। इन दो वेक्टर में एंगल क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये लैम्डा है तो बचा हुआ एंगल कितना है, 180 माइनस लैम्डा, तो इसका और इसका वेक्टर सम नया वेट आएगा, तो नया वेट है एम जी डैश, मास तो कभी चेंज होता नहीं तो जी चेंज हुआ, वेक्टर सम ऑफ वेट एम जी एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 180 माइनस लैम्डा, कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा इज माइनस कॉस लैम्डा। सॉल्व करके ये टर्म आ गई, इस पूरी टर्म में से एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो ये वन हो गया, एम स्क्वायर बाहर आ गया, जी स्क्वायर है ही नहीं तो जी स्क्वायर से डिवाइड, एम स्क्वायर बाहर आ गया, एक जी है तो एक जी से डिवाइड, छोटे आर को बड़े आर के फॉर्म में पुट कर दिया, आर कॉस लैम्डा, स्क्वेयरिंग किया, ओपन करके ये टर्म आ गई। सिंपली एक टर्म लिखना है, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन सभी टर्म में से दिस टर्म इज वेरी वेरी स्मॉल सो कैन बी निग्लेक्टेड, छोड़ दें, पहली और आखिरी टर्म बच गई। अंडर रूट का मतलब हाफ है, बाइनोमियल लगाएं, इसे इसे मल्टीप्लाई करके टू से हाफ कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आ गया। फ्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी लैटिट्यूड के साथ ऐसे चेंज होगी, पेपर में आएगा, इक्वेटर पे बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, तो लैटिट्यूड लैम्डा क्या पुट करें, जीरो, तो ये जी डैश आ गया, इक्वेटर पे आ गया, और पोल्स के ऊपर क्या पुट करें, 90, तो पोल्स के ऊपर वैल्यू आ गई। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, थ्योरी ना आए, ऑब्जेक्टिव में पोल्स के ऊपर पूछ ले जी क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर पूछ ले जी क्या होता है, तो ये तो इतना तो पूछ सकता है वो। नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल्स, हाइट 400 किलोमीटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे अपनी वैल्यू को चेंज करेगी, 400 किलोमीटर बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, जी को 9.8, हाइट को 400, आर को पता है आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि हाइट निकाल लें ताकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 64% हो जाए, 64% काफी अच्छी खासी वैल्यू है, आप शॉर्टकट ना लगाएं, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं और जी डैश को पुट करें, 64% ऑफ जी, जी से जी कैंसिल, सॉल्व करके हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है समझ में आ रहा है, सपोज करें वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सर्फेस 250 न्यूटन है सर्फेस के ऊपर, अब डेप्थ पे जा रहे हैं आर बाई टू, तो नया वेट क्या होगा, डेप्थ पे जी का ये फॉर्मूला है, आप दोनों साइड्स को एम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो वेट है एक्चुअल वो 250 है, नया वेट आपको निकालना है, डेप्थ कितनी है आर बाई टू, आर से आर कैंसिल, सॉल्व करके आंसर आ गया। तो डेप्थ के फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें आंसर आएगा, डेप्थ 16 किलोमीटर पे परसेंटेज चेंज इन वेट निकालना है, फिर से डेप्थ का फॉर्मूला, डेप्थ का ये फॉर्मूला, डेप्थ के फॉर्मूले में x 16 किलोमीटर, r 6400 किलोमीटर, सॉल्व करके g डैश और g की वैल्यू आ गई। आपको निकालना है कि परसेंटेज चेंज इन वेट क्या होगा, पहले वेट कितना है mg, डेप्थ पे जाके वेट कितना है mg डैश, तो चेंज इन वेट कितना है mg माइनस mg डैश, ओरिजिनल वेट कितना है mg इनटू 100, तो mmm कैंसिल, ये टर्म आ गई, g बाई जी वन है, g डैश बाई जी ऊपर से निकाल के नीचे पुट करके आंसर आ गया, परसेंटेज वेट आ गया। नेक्स्ट है, अगर आपके पास अर्थ एंड मून है, दोनों में मासेस गिवन है, आपको आर की वैल्यू भी गिवन है, आपसे ये पूछेगा कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँगा, मतलब एक्स निकाल लो कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो आ जाए। अब इसमें ये जो मास है इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, इधर से अर्थ अट्रैक्ट करेगी, तो अर्थ की फोर्स निकाल लें, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्स का स्क्वायर, इधर से मून अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स जीरो के लिए दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दें, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये टर्म है। नेक्स्ट है, ये नहीं करना, ये रहा, अगर दो ऑब्जेक्ट्स सर्कल में घूम रहे हैं और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से घूम रहे हैं तो आपको ये बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट्स की। अगर ऑब्जेक्ट कोई सर्कल में घूमता है आर रेडियस में तो उसके पास कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाई आर। कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल क्या है, जी एम एम बाई टू आर का स्क्वायर, तो जी एम एम बाई टू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये रूल लगेगा इसमें।
अगर प्लैनेट सन के आसपास घूम रहा है तो अपनी दूरी कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है सन से, जहां उसका डिस्टेंस मैक्सिमम है वहां उसकी वेलोसिटी मिनिमम है, और जहां डिस्टेंस मिनिमम है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो एम इंटू वी इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो एम वी आर कॉन्स्टेंट में ऐसा लगेगा पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, तो जहां एम वेलोसिटी मिनिमम है वहां आर मैक्सिमम है, और जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां आर मिनिमम है। ये कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट है इक्वेटर के ऊपर जी ओमेगा बताओ क्या होगा इक्वेटर के ऊपर, तो जहां पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे जीरो हो जाए, तो इक्वेटर पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लैम्डा को जीरो पुट कर लें, इक्वेटर के ऊपर वैल्यू आ गई, वो कह रहा है ये वैल्यू जीरो कर दो, जीरो करके ओमेगा आ गया, ओमेगा रूट जी बाय आर है, वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेकेंड चैप्टर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। इसको करने से पहले मैंने ये फॉर्मूलाज आपको लिख के दिए थे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चार चीजें हमने करनी है, फोर्स, फील्ड, एनर्जी और पोटेंशियल। फोर्स हमें निकालनी आ गई जी एम एम बाई आर स्क्वायर। फोर्स का क्वेश्चन वेक्टर से ही सॉल्व होगा, फोर्स के न्यूमेरिकल में वेक्टर इन्वॉल्व होंगे। दूसरा है फील्ड का, फील्ड में क्या होता है जहां आपको जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ई निकालना है, वहां कितना भी मास पड़ा हुआ है नहीं लेना, आपने यूनिट मास ले लेना है। तो ये प्लैनेट कितना ई लगाएगा फॉर्मूला याद करेंगे, जी एम बाय आर का स्क्वायर। फिर पोटेंशियल एनर्जी, ये वेक्टर ये भी वेक्टर है, तो इन दोनों के न्यूमेरिकल वेक्टर से सॉल्व होने हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, ये स्केलर है, इसमें कोई वेक्टर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो फॉर्मूला याद करेंगे माइनस जी एम एम बाय आर। और लास्ट है पोटेंशियल, पोटेंशियल भी स्केलर है, यहां पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो एज्यूम करें यहां पर कोई मास नहीं है, वन मास है, तो प्लैनेट कितना वी लगाएगा माइनस जी एम बाय आर। ये चार फॉर्म करने हैं आपने, फोर्स, फील्ड, एनर्जी और पोटेंशियल का। तो अब अगर फील्ड की बात करें, एक्चुअल में जो फील्ड का फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स पर यूनिट मास, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में फील्ड है। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन पर केजी होते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया कि आपने मान लो m1 m2 मास है, आपको इस इनके और r डिस्टेंस है इनके बीच में, इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट e जीरो है, फील्ड जीरो है, तो मान लो वो पॉइंट ये पॉइंट है जहां पर फील्ड जीरो है, मान लो x डिस्टेंस पे आपको x निकालना है, जहां फील्ड जीरो है वहां पर आप फील्ड निकालेंगे m1 और m2 की वजह से, और नेट फील्ड को जीरो करने के लिए नेट वेक्टर सम जीरो करेंगे। कैसे, अगर m1 की वजह से यहां पे फील्ड निकालना है तो m1 इसे अट्रैक्ट करेगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में फील्ड भी है, तो फील्ड m1 इसके ऊपर क्या लगाएगा जी एम वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या लगाएगा अट्रैक्टिव जी एम टू बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर नेट फील्ड जीरो करना है तो दोनों फोर्स को क्या कर देना है, इक्वेट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्स और फील्ड निकालना एक ही बात है, फोर्स में दो मासेस इन्वॉल्व है, फील्ड में एक ही मास इन्वॉल्व है, क्योंकि एक मास तो वन हो जाता है इसमें। ये डेरिवेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे करते हैं, ये प्लैनेट है, रेडियस कैपिटल आर है, तो मान लो आपको इस पॉइंट पर एक मास को लेके आना है छोटा एम, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहती है कि आप इस मास को इन्फिनिटी से लेके आए और यहां पर रखते हैं, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस मास एम में। अब प्रॉब्लम यह है कि इन्फिनिटी पे तो फोर्स जीरो होगी, इनकी डिस्टेंस इन्फिनिटी है, लेकिन जब ये इसके जब ये मास एम इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तो ये प्लैनेट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो मान लो एम मास को पास लेके आ रहे हैं और किसी भी पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से एक्स है, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी, जी एम एम बाई एक्स का स्क्वायर लगेगी। तो क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, एक्स के साथ वैल्यू चेंज कर रही है, तो जैसे जैसे मैं पास लेके आऊंगा तो मेरे को वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। तो स्मॉल इंटीग्रेशन पी से लेकर क्यू तक क्या लगेगा, फॉर्मूला एफ डी एक्स, फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दें। आप मास को कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो पहली लिमिट इन्फिनिटी, और कहां पर रख रहे हैं, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो दूसरी लिमिट स्मॉल आर की। तो इसे इंटीग्रेट करें, एक्स रेज टू पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस वन बाहर आ गया, ये वन बाय एक्स बन गया, एक बार एक्स की जगह आर, एक बार इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी जीरो है,
तो ये आपके पास वर्क डन की वैल्यू होगी और यही एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क डन निकाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, एक ही बात है। तो ये नेक्स्ट डेरिवेशन है, इसमें आपको ये एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी की का कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, ये वहां लगता है जैसे आपको एक ऑब्जेक्ट में गिवन है कि आपने एक सरफेस से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000, वो कितनी हाइट अटेन करेगा ये क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स मत लगाना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस मत लगाना, क्योंकि जी की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर एंड हाईएस्ट पॉइंट पर विल रिमेन सेम। पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पे क्या होगी, माइनस जी प्लैनेट का मास, ऑब्जेक्ट का मास बाय कैपिटल आर, और कितनी काइनेटिक से इसको फेंका, हाफ बॉडी का मास वी स्क्वायर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो, और पोटेंशियल क्या होगी, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। इन दोनों को इक्वेट कर देना, इक्वेट करके ये टर्म आएगी, जहां जहां कैपिटल जी एम यूज हो रहा है वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले से कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर लेना, सॉल्व करके जो निकालना है हाइट की वैल्यू आएगी। जस्ट तरीका बता रहा हूं, न्यूमेरिकल तो आपको करने पड़ेंगे ट्राई। तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है ग्रेविटेशन की, सबसे पहले तैयारी के लिए वो जरूर करना, सबसे पहले वही करना, वैसे वो काफी है उसमें क्वेश्चन, काफी ज्यादा क्वेश्चन है, अगर आप वो भी कर लेंगे आपकी ठीक तैयारी हो जाएगी स्कूल की। ठीक, तो पहले वो जरूर, जब भी आपको स्कूल की तैयारी करनी है पहले वो लिस्ट तो आपने कंप्लीट करनी ही करनी है, स्टार्ट ही वहां से करना है। तो मैंने मेरे ख्याल से आपको दिया हुआ है वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तक तो दी हुई है, ट्रांसफर ऑफ हीट की रेडी है, दी हुई है शायद, नहीं थी, ठीक है। उसके बाद की ट्रांसफर ऑफ हीट से लेके वेव्स तक की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा वेव्स की, क्योंकि संडे को टेस्ट वेव्स का है, ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लें, कल व्हाट्सएप कर दूंगा। और संडे मंडे से पहले कर दूंगा ग्रेविटेशन है आपके पास, और जो पेंडिंग चैप्टर है वो भी दो चार दिन में कर दूंगा, ताकि आप एटलीस्ट सारे सेट ऑफ क्वेश्चन आपके पास हों। स्कोर हेड की साइट पे डाउनलोड मटेरियल में जाओगे तो वो लिस्ट वहां पर मैं डाल रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कल को गुम भी जाएं वहां से डाउनलोड की जा सकती हैं। ठीक है, तो डाउनलोड अंदर जाओगे उसमें, या कंटेंट कुछ मुझे पता नहीं कौन सा उसमें है, पर आपको दिखेगा उसमें सारी पीडीएफ है उसमें। कल को अगर आपको मान लो पेपर का टाइम है, भूल जाए कहां, आप किससे प्रिंट आउट लें, कम से कम वहां पर लगी हुई है। ठीक, मैंने लगा दी थी ताकि याद रहे आपको। नेक्स्ट है पोटेंशियल निकालना, मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट इसके अंदर अब फोर्स का, फील्ड का कॉन्सेप्ट लगता कैसे है, तो हम चार पांच न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे पता लगता है कि क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। मान लो पहला क्वेश्चन फोर्स का आता है, दूसरा फील्ड का आता है, तीसरा पोटेंशियल का आता है, चौथा एनर्जी का आता है। तो अगर फोर्स का आता है वेक्टर की हेल्प से सॉल्व करना है, जैसे तीन मासेस हैं, डिस्टेंस आपको गिवन है, नेट फोर्स इस पे निकालनी है, जिस पे फोर्स निकालनी है सारे वेक्टर उसी के ऊपर ड्रॉ करने हैं। कैसे, इसको m3 ने अट्रैक्ट किया, g m3 m2 by 12 का स्क्वायर, और m1 ने भी इसे अट्रैक्ट किया, तो दोनों वेक्टर इस तरफ हैं, दोनों को ऐड करके नेट वेक्टर आंसर आ गया, फोर्स आ गई नेट। लेकिन अगर क्वेश्चन में फोर्स इस पे पूछी जाए m1 पे, अब सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, m1 पे, तो m3 ने m1 को अट्रैक्ट किया, फोर्स निकाल लेंगे, m2 ने m1 को अट्रैक्ट किया, फोर्स निकाल लेंगे, दोनों वेक्टर एक तरफ, दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स वेक्टर से सॉल्व होने वाली है, जिस पे नेट फोर्स निकालनी है सारे वेक्टर वहां ड्रॉ करके वेक्टर सम ले लेना। अगली प्रॉब्लम है ई की, फील्ड की। तो आपको अगर ये दो मासेस गिवन है तीन, पर आपको ई फोर्स नहीं, आपको ई निकालना है, यहां पे जहां पे ई निकालना है वहां मास वन रख दें, भूल जाए वहां पर एम थ्री मास है, वहां वन मास है। तो अब सेम रूल है, एम वन इस वन को अट्रैक्ट करेगा, एम टू इसे अट्रैक्ट करेगा, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस नेट ई आ गया। अगर मुझे तीन मासेस गिवन है, फिर से ई निकालते हैं, इस बार ई यहां निकालना है, अब सारे वेक्टर यहां बनेंगे, जहां ई निकालना है वहां मास वन रख देना है, एम थ्री ने एम वन इस वन को अट्रैक्ट करना है, ई लगाना है, एम टू ने इस वन को अट्रैक्ट करना है, ई लगाना है, दोनों ई एक तरफ, दोनों को ऐड करके नेट ई आ जाए। नेक्स्ट है, अगर आपको दो मासेस गिवन है, फोर्स समझ में आ गई, ई समझ में आ गया, अब एनर्जी, दो मासेस गिवन है, आर गिवन है, और पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की, तो सीधा फॉर्मूला, इसमें कोई वेक्टर ड्रॉ नहीं करना, एनर्जी के क्वेश्चन में कभी वेक्टर ड्रॉ नहीं करते, स्केलर है वो, तो माइनस जी एम वन एम टू बाई आर आंसर आ गया, डन। आर गलत किया हुआ है, स्क्वायर घटा दे,
आर आएगा, सिर्फ 10 आएगा, ठीक। जैसे इसकी एनर्जी निकालने सिस्टम की, तो आप दो दो करके एनर्जी निकालनी है। पहले एनर्जी m1 m3 की माइनस जी m1 m3 बाय r1, फिर एनर्जी m3 m2 की, और फिर एनर्जी m1 m3 की। तो तीनों एनर्जी को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा, दो दो करके ऐड कर देंगे। जैसे आपको एनर्जी इसकी निकालनी है तीन मासेस की, तो पहले एनर्जी इन दोनों की माइनस जी m2 m3 बाय r23, फिर एनर्जी इन दोनों की, फिर एनर्जी इन दोनों की, तीनों को ऐड करके आंसर। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, मान लो m2 m3 मास है, आपको इस बार पोटेंशियल निकालना है। चौथा क्वेश्चन पोटेंशियल का है, कहां पे? यहां पे। जहां पोटेंशियल निकालना है वहां मास वन ले लेना है, जितना मर्जी पड़ा आपने वन ले लेना है। तो m2 ने यहां पोटेंशियल लगाया माइनस जी m2 बाय r12, और m3 ने क्या लगाया माइनस जी m3 बाय r13, ऐड करके आंसर आ गया डन। तो पोटेंशियल और एनर्जी स्केलर है, फोर्स और फील्ड वेक्टर है, खत्म यहां पे। नेक्स्ट एक कॉम्पिटिशन की शीट है, शेल थ्योरम। शेल थ्योरम में चार चीजें करनी होंगी। पहली, अगर आपके पास एक शेल है, शेल का मतलब एक स्फेयर जो अंदर से खाली है, और एक सॉलिड स्फेयर है जो अंदर से भरा हुआ है। क्वेश्चन है कि आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट मास है, आपको बताना है कि ये शेल इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा। तो फॉर्मूला वही पॉइंट मास वाला, जी एम वन एम जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर डन। और अगर सॉलिड स्फेयर है तो भी आंसर विल रिमेन सेम। दो चीजें हो गई, एक शेल के बाहर अगर कोई पॉइंट है और सॉलिड स्फेयर के अगर कोई बाहर पॉइंट है तो फोर्स क्या लगेगी, ये फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट, अगर ये शेल के अंदर कोई पॉइंट है और अंदर कोई पॉइंट पर फोर्स पूछी जाए, तो शेल थ्योरम कहती है अंदर किसी भी पॉइंट पर फोर्स क्या आएगी, जीरो। तो ये तीसरी चीज आ गई। एंड अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट मास है, इस पे क्या फोर्स लगेगी, ये क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला, जी इस शेडेड मास को निकालना पड़ेगा। शेडेड मास का मास है एम ऑफ आर, मतलब मास ऑफ रेडियस आर, पॉइंट मास का एम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। शेडेड मास निकालने जा रहे हैं, टोटल मास क्या है, टोटल मास है टोटल वॉल्यूम इंटू टोटल डेंसिटी, और इस शेडेड स्फीयर का मास है शेडेड का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इन्हें डिवाइड करके एम ऑफ आर की वैल्यू आ गई, इस एम ऑफ आर को ऊपर पुट करके ये आंसर आ गया। तो चार फॉर्मूले हो गए, शेल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो फोर्स क्या होगी, सॉलिड स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है फोर्स क्या होगी, शेल के अंदर कोई पॉइंट है तो फोर्स क्या होगी, सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है तो फोर्स क्या होगी। तो शेल थ्योरम अगर आ गई लिखने को, तो ये चारों केस आपने डिस्कस कर देने, ठीक। नेक्स्ट है इसका ग्राफ, इसके ग्राफ में क्या करना है आपको, ये एक शेल है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई का फॉर्मूला जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर याद करना है, और वी का फॉर्मूला माइनस जी एम बाय स्मॉल आर याद करना है। शेल के सरफेस के ऊपर ई का फॉर्मूला स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, और वी का फॉर्मूला स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। शेल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो ई की तो वैल्यू जीरो, ई की वैल्यू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कितनी है, जितनी सरफेस पे है। सरफेस पे वैल्यू कितनी है, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। तो किसी भी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट इसके अंदर लेंगे, उसके ऊपर भी वी कॉन्स्टेंट है, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। ये कुछ नहीं करना प्रूफ। तो एक नंबर में ग्राफ आ सकता है, किसी भी शेल के लिए ई का ग्राफ प्लॉट करो। शेल के अंदर ई जीरो है, बाहर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मार्क कर देना। वी का ग्राफ आ सकता है, किसी भी शेल के अंदर वी कॉन्स्टेंट है, माइनस जी एम बाई कैपिटल नेगेटिव कॉन्ट्रेंट और नेगेटिव बनेगा, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ये दोनों ग्राफ की पहचान याद रखना, शेल के लिए एप्लीकेबल है। सॉलिड स्फीयर में सेम रूल है, सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट नहीं आता, सॉलिड स्फीयर का ग्राफ आ सकता है। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर है। याद रखना, ये सॉलिड स्फीयर है और ये शेल है। वी का नहीं आएगा इसमें, वी का नहीं आएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, शेल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक। नेक्स्ट है, लिखा कंपटीशन है, मैं दो तीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एनसीईआरटी के लिए इसमें एप्लीकेबल है। इसमें कैसे, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के ऊपर स्मॉल जी है, आपको गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कितना गेन हो गया एनर्जी में जब हम एक ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी हाइट पर ले आए,
आर डिस्टेंस ऊपर ले आए। तो डायग्राम ये बनेगा, आर डिस्टेंस ऊपर ले आए, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, और यहां पे कितना है, माइनस जी एम एम बाई सेंटर से दूरी क्या हो गई, 2R। तो ये एनर्जी बड़ी है छोटी, तो गेन कितना हुआ, इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो फाइनल माइनस माइनस इनिशियल, माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म आ गई। कैपिटल जी एम को ज्यादातर क्वेश्चन में स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट करते हैं, तो आंसर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। नेक्स्ट है ये वाला, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट में, वैसे जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, पर अगर वो कैसे हो जाए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन हो जाए, तो उस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या होगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या, ऑर्बिटल क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब जब एक प्लैनेट या सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता है, उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस में घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो इसके पास सेंट्रीपिटल है एम वी स्क्वायर बाई आर। किसने प्रोवाइड की सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल पुल ने। ग्रेविटेशनल पुल क्या है, जी बड़ा एम छोटा एम बाई आर की पावर स्क्वायर, नहीं एन, क्वेश्चन में एन गिवन है, एम से एम कैंसिल, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अंडर रूट की वजह से प्रोपोर्शनैलिटी में निकालना है, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर एन माइनस वन का हाफ भी आएगा, अंडर रूट का मतलब हाफ होता है आंसर, ये मार्क कर। इसी में आ सकता है टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जी एम एम बाई आर की पावर एन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल का दूसरा फॉर्मूला क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो ओमेगा टू पाई बाई टी, ये आर इसे मल्टीप्लाई करके आर की पावर एन प्लस वन, और ये स्क्वेयरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन प्लस वन। तो टी किसके प्रोपोर्शनल है, आर की पावर एन प्लस वन, अंडर रूट की वजह से क्या आएगा, हाफ। ये ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आ सकता है, ठीक। जरूरी नहीं है कि एन के साथ आए, वो कहेगा कि आर इज पावर फाइव बाई टू सेवन बाई टू, कुछ भी एन की वैल्यू कुछ भी दे देगा, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन का, ये कॉम्पिटिशन है अभी, सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन। सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक सैटेलाइट मान लो और वी वेलोसिटी के साथ घूम रही है एच हाइट पर, सैटेलाइट के पास कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एच सेंट्रीपिटल है। कौन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल पुल जी एम एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया, इस वेलोसिटी को ऑर्बिटल बोलते हैं। कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ये भी ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल के दो फॉर्मूलाज हैं, कई बार पेपर में आएगा कि सैटेलाइट बहुत नजदीक है सरफेस ऑफ अर्थ के, अगर बहुत नजदीक है आर के मुकाबले एच को निगलेक्ट कर दें, जो आंसर आएगा वो भी ऑर्बिटल है। इसमें आएगा टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट का टाइम पीरियड है टोटल डिस्टेंस ऑफ अ सैटेलाइट एक चक्कर का 2 पाई इनटू आर प्लस एच अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल हमने फॉर्मूला निकाल लिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, आर प्लस एच अंडर रूट में जाएगा, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एच का होल क्यूब आंसर आ गया। हाइट ऑफ द सैटेलाइट निकालनी है, और हाँ इसमें अगर सैटेलाइट काफी नजदीक है सरफेस ऑफ अर्थ के, तो एच को अप्रोक्सीमेटली क्या पुट करेंगे, जीरो, तो ये टर्म आएगी। कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा। हाइट ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखें, मैथ लगा के एच निकाल लें, स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग करके आर प्लस एच की टर्म एक तरफ, यहां से एच कैन बी कैलकुलेट, इसका आंसर, इसका आना थोड़ा मुश्किल है। टोटल एनर्जी आ सकती है जब एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूमती है, उसके पास दो किस्म की एनर्जी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, और काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच, सिंप्लीफाई करके आंसर हो गया। एस्केप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट आ सकती है, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब आप किसी बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकते हैं, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चली जाती है, तो आपको एक काम करना है, पहले वर्कडन निकालना है कि कितना वर्कडन करना पड़ेगा किसी भी बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से निकाल के इनफाइनाइट फेंकने के लिए। तो पहले स्मॉल वर्कडन निकाल लें एफ डी एक्स, किसी भी इंस्टेंट पर फोर्स चेंज होगी क्योंकि एक्स सेंटर से चेंज होगी, तो फोर्स का फॉर्मूला पुट करते हैं। लिमिट क्या पुट करेंगे, आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो सेंटर से दूरी क्या है, कैपिटल आर, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से फेंक रहे हैं तो इन्फिनिटी। ये एग्जैक्ट डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी की,
पोटेंशियल एनर्जी में लिमिट्स थी इन्फिनिटी से स्मॉल आर, इसमें आर से इन्फिनिटी, इसकी इंटीग्रेशन करें, एक्स की पावर बाई माइनस वन बाहर आ गया, वन बाई एक्स में एक बार अपर एक बार लोअर लिमिट, वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, ये वर्क डन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्टली उल्टा आएगा, वो माइनस है ये प्लस आएगा क्योंकि लिमिट्स उल्टी हैं। ये वर्क डन जो आपने दिया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिया, और काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी यूज होगी वो एस्केप वेलोसिटी है, एमसीएम कैंसिल, एस्केप का आंसर आ गया। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर ऑब्जेक्ट को वो पूछेगा 45 डिग्री में फेंका 60 डिग्री में फेंका तो एस्केप वेलोसिटी क्या चेंज होगी, नहीं होगी। एस्केप वेलोसिटी एंगल से इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी एंगल पर फेंक लें किसी ऑब्जेक्ट को, एस्केप वेलोसिटी 11.2 ही रहेगी, इंपॉर्टेंट है। आता है क्वेश्चन इस पे। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसके अंदर ये सन है और ये मास है, तो एक प्लैनेट घूम रहा है सन के आसपास इन रेडियस स्मॉल आर, तो इसमें क्यों घूम रहा है, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स है प्लैनेट के पास जो ग्रेविटेशनल पुल ने प्रोवाइड की, तो इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है ऑर्बिटल। टाइम पीरियड क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी ये पुट कर दी, यहां से रेसिप्रोकल लिया, आर को अंदर ले गए आर क्यूब हो गया, स्क्वेयरिंग कर दिया तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया केपलर थर्ड लॉ प्रूफ। नेक्स्ट है न्यूटन लॉ निकालने, कहां से, केपलर के लॉ से। तो जब एक प्लैनेट घूम रहा है अर्थ घूम रही है सन के आसपास, तो सेंट्रीपेटल कितनी है एमवी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि न्यूटन लॉ प्रूफ करना है तो हुक या क्रुक से जीएमएम बाय आर स्क्वायर, तो हेंस प्रूफ करके आना ही है, खाली नहीं छोड़ के आना। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इस वेलोसिटी को यहां पुट करेंगे वो स्क्वायर, होल स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई, इसमें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आर क्यूब है तो इसकी जगह टी स्क्वायर सम के इनटू आर क्यूब है, तो ये टर्म आ गई। अब आधा फॉर्मूला तो बन ही गया जी एम एम बाई आर स्क्वायर, तो पता है कि ये जो टर्म है वो मास ऑफ सन पे डिपेंडेंट है, इसको यार धक्के से जाए कैपिटल जी एम लिखाना, बात ही खत्म हो गई। कौन पूछ रहा है ना, हमने कौन सा देखा ये कॉन्स्टेंट सच में मास पे डिपेंडेंट है कि नहीं, तो प्रूफ तो कर ही आओगे जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कॉम्पिटिशन की शीट है।